ले। गुड मॉर्निंग जी सबको, कैसे हो सब? और सबको साथ साथ नमस्ते भी। तो मैंने कि सुबह सुबह है, काम करते करते थोड़ी सी बातें कर लूँ। आज भिंडी की भुजिया बना रही हूँ, तो चलो भिंडी का भुजिया दिखा देती हूँ आप लोगों को। चलो तो भिंडी का भुजिया मैं सबसे पहले मैं डाल रही हूँ, जीरा डाल देती हूँ। उसके पास ये प्याज और मैं एक मिर्ची काट के डाल दी, थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी। ये मैंने भिंडी पहले ही धुल करके रख दी थी और कटिंग करके रात को ही भिंडी अभी कटिंग की है। भिंडी डाल देती हूँ, तेज आँच पे इसको ऐसे चला के थोड़ी देर तेज आँच पे रखूँगी। तब तक कर लेते हैं आटे गूंदने की तैयारी हूँ, क्योंकि नाश्ता भी देना है इसको। उतना बेटे टाइम हो गया, सात बीस हो गए, उठ जा लेट हो जाएगा। एक बार भिंडी को मैं अच्छी तरह चला के आंच कर दी थी और इसको मैंने रख दिया। आटा गूंथ लेते हैं इधर। ये अब भी ठीक है, थोड़ा गैस मतलब कम ही है। अब मैंने प्लेट हटा के रखा, मैं छोटे वाले गैस पे इसको रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है पराठा, स्कूल का टाइम है। तो फटाफट पराठा बना लेती हूँ, इसको अब खुले में ही छोड़ देंगे, ज़्यादा ये जो है इधर चिपचिपाट नहीं रहेगी। तब तक मैं पराठा वगैरह बना लेती हूँ फटाफट फटाफट, आप लोग जुड़े ये ब्लॉग में। ये देखिए ये भिंडी तैयार हो चुका है, कलर इसमें अच्छे से नहीं आ रहा था, लेकिन मसाला डला हुआ है, लाइटिंग के चक्कर से कलर अच्छा नहीं आ रहा, भिंडी बन गया। ये देखिए मैंने तीन पराठे भी बना के रख लिए हूँ और फटाफट इसको स्कूल के लिए ये चला जाएगा, फिर आगे हम दिखाएंगे। ये देखिए इसमें मैं चावल भर के रख देती हूँ, अब देखना दो दिन में सारे चिड़िया इसको खा जाती है, पता नहीं। दूध और ब्रेड डाल के रखी हूँ, दूध डॉगी कहाँ चला है, गली का कुत्ता है, कहाँ चला गया। एक चीज़ और दिखा रही, एक दृश्य दिखा रही, यहाँ पे ऊँट से बहुत ही ज़्यादा ही है, देखिए ऊँट से सवारी की जाती है।
ये देख लीजिए, ये छोटे छोटे जो ततैया है ये भी पानी पीते हैं। हमें लगता है ना ये उड़ते रहते हैं, ये ततैया वगैरह, ये देखिए कैसे पी रहे पानी। देखिए देखिए नीचे जैसे जानवर वगैरह पीते हैं, कितने आराम से पी रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा उड़ गया पी करके, ये डाल दी। पता नहीं हमारी गली में डॉगी है, वो कहाँ चली गई है, उसको बच्चा हुआ है अभी। शाम को भी मैंने दूध दी थी, देखिए दूध में ब्रेड डाल करके रख दी हूँ, आ जाए तो उसको पिला दूँ। दिख नहीं रही कहीं, ये रोज़ का ही काम है मुझे, पानी डालना उस मटके में, कुत्तों को दूध देना, चिड़िया को दाना डालना। पता नहीं कहाँ चली गई है ये। चलो आएगी तो दिखा दूँगी, नहीं तो कल मैंने दूध पिलाते समय थोड़ी सी सूट की थी, नहीं दिख रही। इन लोगों की आदत क्या है ना, एक जानवर है ना, इतने सारे जानवर से जब मैंने आपको पहचान करवा दी। ये देखिए ये जो सब्जी वगैरह के छिलका वगैरह रहता है, मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। ये क्या है, बाहर डाल देने के लिए। तो ये गाय गोधा वगैरह आते हैं तो खा लेते हैं, ये डाल देती हूँ आगे, थोड़ी देर में सारी गाय गोधा इसको भी खा जाएंगी। डाल देती हूँ, जमा करके रखती हूँ, सारे इकट्ठा हो जाता है, जैसे सुबह से रात तक की मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। ये कोई भी जानवर यहाँ पे गोधा बहुत है, गोधा मतलब जिसको गांव वगैरह में सांड बोलते हैं, तो वो बहुत है, वो अपना खा लेते हैं आराम से। कुछ भी, अब चाय पत्ती वगैरह भी नहीं फेंकती हूँ मैं, सब कुछ डाल देती हूँ। और इसको मैं अभी यहाँ पर ऐसे ही रख देती हूँ, ये धुल करके यहाँ पर रख देती हूँ ना किचन के पास। देखिए बर्तन धोती हूँ यहाँ पर, सब्जी वगैरह बर्तन सिंक यहीं पे, जो भी सब्जी वगैरह काटती हूँ पूरे दिन का यहाँ पे रखती हूँ, वो खा लेते हैं। इस रूम का देखिए पूरा बेड मैंने साफ़ कर दिया, इस रूम का भी बेड वगैरह कर दी हूँ, और सोफ़ा सब भी ठीक ठाक कर दी कपड़े को। अब देखना जब स्कूल से बेटा आता उसके बाद क्या नज़ारा होता है। पंखा चला देती, गर्मी लग रही है। अब मैं थोड़ा सा कपड़ा है कल वाला उसको फोल्ड कर लूँगी। घर का सारा काम हो चुका है, डॉगी के लिए भी दूध रख दी हूँ ब्रेड डाल करके। पता नहीं कहाँ, इन जानवरों की एक बीमारी क्या होती है, एक भी जानवर की जैसे आवाज़ सुन लिए ना, दौड़ करके सारे ही भाग जाती है इकट्ठे। तो ये सारे भाग चुकी है। अब इसको मैंने दूध ब्रेड में दे दी हूँ, ये फूल जाएगा अच्छी तरह से। जब तक ये पता नहीं कब मिलेगी, मैं बाहर तब से इंतजार कर करके थक गई हूँ, महारानी मिल नहीं रही है। अभी इसको बच्चा हुआ है, 2 साल की खुद है और 2 बार इसने बच्चे दे दिए। इनकी एक ग्रुप है, मैं डॉगी की कहानी बताऊँ तो हमारी बड़े मज़ेदार कहानी है यहाँ की, बता रही हूँ। एक राजा है, कभी राजा को दिखाऊंगी, उसको हमने रखे हैं, यहाँ का सबसे बड़ा डॉन था आनंदपाल, उसके नाम से रखी हूँ, उसको सब आनंदपाल बोलते हैं। वो डॉन है राजा, उनकी एक रानी है, रानी की एक पता नहीं एक नया दोस्त कहाँ से उसको मिल गया, तो मुँह नहीं दिख रहा ठीक से, दोस्त कहाँ से मिल गया, व्हाइट वाला कुत्ता है। उसको हम लोगों ने बताया कि चलो ये ना उसके भाई है, मतलब जो आनंदपाल की बीबी है रानी, उसका देवर है, देवर जैसे ही करता है, वो पूरा ध्यान रखता है भाभी का और भाई का भी, कहीं भी लड़ाई होगी दंगा होगी भागता है। आप लोगों को ये क्यों बता रही, पर मज़ेदार किस्सा है, इसीलिए हमें भी मज़ा आता है। अब आनंदपाल की जो भी उसकी एक दो मतलब चार बच्चे हुए, उसमें एक बेटी जिंदा रह गई ठीक है, और 3 खत्म हो गई, थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद पिछले साल क्या हुआ, आनंदपाल की बीवी को भी 4 बच्चे हुए और उसकी जो बेटी थी एक जिंदा रह गई थी, उसके भी 4 बच्चे हुए। तो आनंदपाल की जो मतलब अपनी बेटी एक जिंदा रह गई, एक उसकी मतलब नाती लगेगी ना, हाँ नाती एक जिंदा रह गई, क्योंकि बेटी की बेटी तो नाती हुआ ना, नाती एक जिंदा रह गई। इनकी 2 बच्चे मतलब एक मियाँ बीबी देवर, 2 बच्चे, 5 जने का परिवार है। तो इस बार पता नहीं बीबी को बच्चा हुआ नहीं हुआ है, अभी बेटी को अभी फिर से 4 बच्चे हुए हैं, उसी को जिसको मैं दूध पिलाती हूँ।
चार बच्चे हुए, अब देखो कितना जिंदा रहता है उसमें से। तो बेटी अब हो गया आनंदपाल हमारा, नाती का भी बच्चा हो गया, तो पता नहीं क्या नानो क्या हो गया पता नहीं मुझे। आप तो बोलोगे मुझे कहानी क्यों, बोल मतलब मज़ेदार किस्सा है इसीलिए बता रही हूँ। और आनंदपाल का एक ये है, इस गली में एक भी किसी बच्चे को मतलब कुत्ते को नहीं आने देता। कोई दूसरी गली का अगर कोई आ गया ना, उसको गाड़ी से भी आता है, उसको दौड़ा दौड़ा के काट लेता है या जो भी। इसका एक ये है, इसका ये लगता है कि मेरे इस गली में मेरा ही राज है। इस टाइप से इन लोगों की कहानी होती है, दी एंड। यही है इन लोगों की, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है। अब उसके देखो अभी बीबी का भी बच्चा होगा, क्या होगा। और हमारी घर चिड़ियाँ बहुत हैं, मैंने ऐसे बताई थी आप लोगों को, सुबह शाम चूँ 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 इतनी अच्छी लगती है। तो चिड़ियाँ को दाना डालना होता है, हमें पानी डाल दे। मैंने ततैया भी हमने पाल रखे हैं, मतलब सारे से हम कनेक्ट है। ततैया भी आते हैं और देखे ना आपने पानी पिलाते हुए, ततैया भी पानी पीती है, चिड़ियाँ भी उसमें पानी पीती है। तो वो जो मटके मिट्टी का बर्तन है ना नीचे, उसमें क्या हो गया है, जैसे कदरी बोलते हैं गाँव सब में, मतलब जैसे चबूतरी सब में कदरी लग जाती है, वो लग गई है मिट्टी में। मैं हटाती नहीं उसको, पानी चेंज कर देती हूँ हर दो दिन में, उसको हटा देती हूँ, धूप लगा देती हूँ, फिर से उसमें पानी। उनको मुझे लग रहा है, उनको लगता है कि तालाब है या ठंडा पानी रहता है, तालाब जैसे दिखता है उन लोगों को। तो वो अभी क्या करते हैं, अभी आके कबूतर तरह तरह के जानवर, ये बगरा जो बोलते छोटे वाले, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, बगरा हो गया, ततैया हो गया, सब इसमें आके पानी पीते हैं, ये तालाब समझ के। चिड़िया को दाना डालना होता है, कुत्ते को दूध डालना होता है। और जितने पूरे दिन की सब्जी वगैरह काट करके मैं रखती हूँ, वो फेंकती नहीं हूँ, मतलब ये नहीं कचरा में डस्टबिन में डाल दिए, सब मैं इकट्ठे करके उसमें रखती हूँ, मतलब थाली जैसे दिखाई थी उसमें रख देती हूँ सुबह से। अब जब खाली हो गया ना, उसको धो के रख दूँगी सुबह से लेके और शाम तक जितना होगा, कल सुबह फिर से डाल दूँगी। उन जानवर का भी खाना हो जाता है। और चाय की पत्ती को मैं एक बार अच्छी तरह से धुल करके और किसी भी पेड़ पौधे वाले गमले में डाल देती हूँ, तो अच्छा खाद बन जाता है। आप लोग भी ऐसे करना, खाद बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया होता है चाय पत्ती का नेचुरल वाला खाद। ये आज तक की कहानी थी। और अगर ये कहानी पसंद आए, आपको पता है ना क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तो आप लोग शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करो अच्छी अच्छी, और मेरे चैनल को प्लीज आगे बढ़ाओ ताकि खूब अच्छी अच्छी बातें मैं बता सकूँ। मेरे पास बहुत सारी बात के भरी पड़ी है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। ऐसा लगता है मुझे आप लोगों को बताती हूँ ना, एक कुछ नया एक रोज़ बताती हूँ। तो आप लोग प्लीज 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 सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ। तब तक के लिए सबको बाय बाय। कल हम फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे एक नए सिरे के साथ, एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग। आज डॉगी की थी, कल और किसी चीज़ की हो सकती है। तो आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना और ज़रूर देखना हमारी ये छोटी छोटी वीडियो को, जो भी लगे यार गलती सलती जो भी हो माफ़ करना। बाय बाय।